सोमवार यानी 1 फरवरी से देश भर में पूरी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने के लिए सरकार ने इजाजत दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 1 फरवरी से देश भर में 100% कैपेसिटी के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दी है। सिनेमा हॉल खोलने के लिए केंद्र ने नई गाइडलाइंस भी जारी की है। सरकार की इस नई गाइडलाइंस के अनुसार सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों में लोगों के बैठने की क्षमता को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 100% करने की अनुमति दी गई है, लेकिन सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी SOP के अनुसार सभागार और आम क्षेत्रों में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सभी दर्शकों को सिनेमाघरों में प्रवेश करने से पहले मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सिनेमा हॉल में प्रवेश करने वाले और बाहर निकलने वाले हर द्वार पर लोगों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य है। सिनेमा हॉल में थूकना सख्त वर्जित होगा। सिनेमाघरों में आने वाले लोगों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि मार्च 2020 से पूरे देश में कोरोना महामारी की शुरुआत के साथ ही सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद कर दिए गए थे। सरकार ने अनलॉक 5 के तहत अक्टूबर माह में सिनेमाघरों को खोलने की इजाजत दे दी थी। इसके बाद दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों ने 50% दर्शक क्षमता के बाद सिनेमाघरों को खोलना शुरू किया था। इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने भी सिनेमाघर खोले थे।